अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू हम दो, हमारे चार व्लॉग्स। तो आज का टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं इस साल की रमज़ान की तैयारी किस तरह से करने वाली हूँ। सो, आज जो है ना ये फर्स्ट पार्ट है रमज़ान की तैयारी का। सबसे पहले जो है ना मैं रमज़ान की तैयारी के लिए एक प्लान बना लेती हूँ। देखिए, अगर भूख लगती है ना तो हम खाना बना भी लेते हैं और खाना खा भी लेते हैं। अगर सुबह की फ़्लाइट है हमें तो हम किसी भी हाल में उठ ही जाएंगे, ये नहीं कि हम सोते रहेंगे। तो इसी तरह अगर हमारे पास एक प्लान होगा लिखा हुआ ऑन शीट तो हम किसी भी हाल में जो है उसको फॉलो करेंगे। थोड़ा ऊपर नीचे कभी हो जाएगा लेकिन फॉलो तो करेंगे, कुछ ना कुछ स्टेप्स तो उसमें से हो ही जाएंगे। इसलिए मैं प्लान पर इतना ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके आँख के सामने जो है प्लान रहेगा ना तो आप घर के बाकी काम भी ना उस प्लान के हिसाब से ही करेंगे कि हमारे प्लान में अभी ये है तो हमें ये काम जल्दी निपटाना है क्योंकि हमें अपने प्लान के हिसाब से चलना है। तो ये है मेरा प्लान रमज़ान से पहले का। और सबसे पहले जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अपने कज़ा रोज़े भरें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लान के अकॉर्डिंग आज मैंने प्लान करी हूँ कि घर के जितने भी कर्टन्स हैं मैं उनको वॉश करने से स्टार्ट करूँगी। तो मैंने डिवाइड कर दी हूँ कि कितने कर्टन्स आज वॉश होंगे और कितने कर्टन्स जो हैं वो नेक्स्ट टाइम वॉश करूँगी। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये हमारे सीढ़ी जो जाती है ऊपर की तरफ वो वाला एरिया है। और ये जो कर्टन लगा हुआ है ना ये इतना ऊँचा है, इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि इस पर जो है ना एक नॉर्मल लंबी वाली सीढ़ी को भी ना डबल खोल के तब उसके जो है चढ़ना पड़ता है। तो मैं तो नहीं चढ़ पाती हूँ यहाँ पे, दूसरे कर्टन्स तो उतार भी लूँ लेकिन ये वाले तो मैं बिल्कुल नहीं उतार पाती। तो ज़ईम तो घर में था तो मैंने उससे बोली कि तुम चढ़ जाओ और इसको उतारो। और हर साल जो है ना मैं इसी से ही करवाती हूँ ये सारे काम। और आप है ना बच्चों को भी अपने साथ जो है वो इन्वॉल्व रखिए रमज़ान की सारी तैयारियों में। तो बच्चों को जो है ना मेरे पता रहता है कि रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही जो है वो अम्मा की सफाई चालू हो जाएगी, तो डीप क्लीनिंग वगैरह सब मैं इन लोग के साथ मिलके ही करूँगी। तो आज ज़ईम ने तीन रूम के कर्टन्स उतार दिए हैं, अपने रूम का, फलक के रूम का और जो स्टेयर केस है वहाँ के कर्टन्स उतार दिया है ज़ईम ने। ये कर्टन्स वॉश करना है ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, पूरा दिन लग जाता है। ये जो रॉड है इनको खोल के इसके स्क्रू वगैरह निकाल के फिर कर्टन निकालो, वॉश करो, फिर आयन करो, उसके बाद फिर से सारे कर्टन को फिक्स करो और फिर स्क्रू लगा के उसको फिर अपनी जगह पे टांगो, तो पूरा दिन लग जाता है। इसलिए जो है ना पहले से ही ये कर्टन्स वॉश करने वाला जो सब सिलसिला है ना वो चालू कर देना चाहिए। और कर्टन्स निकालने के बाद है ना ज़ईम ने यहाँ रॉड भी सब पूरा वॉश कर दिया है और उसको अच्छे सूखे कपड़े से पोंछ के यहाँ सन में ड्राई होने के लिए रख देगा। उसको मालूम है ये सारा प्रोसेस मैं करवाती हूँ इसलिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही करके पूरा रख देगा। और आज जो है ना मैंने इस साल से फलक और अफ़ान को भी लगाई हूँ ये सब करने के लिए। और उन लोग को आता जाता है नहीं कुछ, खाली दोनों लोग जो है टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहेंगे और मैं खोलता हूँ यही सब करेंगे। लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं बिज़ी रह रहे हैं, उन लोगों को भी पता है कि कैसे करना है। और सबसे बड़ी मुसीबत जो है ना वो आरिस की होती है। आरिस भी हर काम में जो है वो लुपुर नाश्ता रहता है, उसको भी सब करना होता है, उसकी वजह से सारा काम जो है ना वो डीले हो जाता है। आधे घंटे वाला काम जो है वो उसमें एक घंटा लग जाता है। तो यहाँ पीछे पड़ गया था आरिस ज़ईम के कि मैं भी पानी से धोऊंगा, तो वही वो वॉश कर रहा है। आज ही ना मैं जाला वगैरह भी झाड़ दूंगी सब, क्योंकि घर है ना वो ज़्यादातर बंद रहता है तो इतने जल्दी जो है ना वो गंदा नहीं होता है, जाला फिर से इतने जल्दी नहीं आएगा। तो ईद तक जो है ना ये पूरा साफ़ ही रहेगा, ईद में साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने फलक से बोली तुम चढ़ जाओ और पूरा साफ़ करो। तुम हिल ज़्यादा रही हो और झाड़ कम रही हो, थोड़ा झाड़ो ज़्यादा और हिलो कम।
हर साल है ना मैं ही सीढ़ी पे चढ़ के जाला वगैरह साफ़ करती थी, और ये फर्स्ट टाइम है फलक का जब मैं उससे साफ़ करवा रही हूँ। मैंने कहा कि तुम भी चलो जाला साफ़ करने में मेरी हेल्प करो, तो पूरी डस्ट जो है ना वो उसके मुंह पे आ रही थी और अपना मुंह एक हाथ से बंद करके और दूसरे हाथ से वो कर रही थी सफाई पूरी, तो उससे जम भी नहीं रहा था। लेकिन मैंने बोला करो, करते करते जो है तुमको आइडिया हो जाएगी कैसे करना है। और मैंने उसे बोली एक मास्क लगा लो, लेकिन वो मास्क भी नहीं लगा रही थी, कह रही है इतनी मेहनत से तो मास्क से छुटकारा मिला है, मैं फिर से नहीं लगाऊंगी। तो सफाई के बाद जो है ना मैं आ गई थी किचन में लंच बनाने के लिए, और आज है ना मैं दाल बनाने जा रही थी। तो मुझे काफ़ी दिन से ना कुछ मैसेज आ रहे थे कि आपकी दाल बहुत सिंपल सी है लेकिन अलग लगती है, उसकी रेसिपी शेयर करें। तो ये देखिए मैंने ली हूँ तूर दाल और साथ में ऑरेंज वाली मसूर की दाल, और उसके बाद मैंने इसके अंदर लंबे कटे हुए ऑनियंस ऐड कर दी हूँ और ग्रीन चिली 3-4 और थोड़े से बेबी टोमेटोस, और उसके बाद मैंने इसमें खड़ा लहसुन डाल दी हूँ और हल्दी और नमक डाल देना है। और ये दाल जो है ना वो थोड़ी सी भीगी हुई रखी थी आधे घंटे के लिए, और फिर लास्ट में मैंने इसके अंदर डाली हूँ कड़वा तेल मस्टर्ड ऑयल, और उसके बाद जो है पानी डाल के हम लोग इसको सीटी लगा देंगे जैसे नॉर्मल दाल बनती है बस उसी तरह से। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है दाल की, बस सारी चीज़ें जो है वो एक साथ डाल के चढ़ा दो। लास्ट वीक मेरी तबीयत नहीं ठीक थी ना वाटर पार्क से जब हम आए थे, तो मेरी आवाज़ भी एकदम बैठी हुई थी, गला ख़राब था। तो हस्बैंड को मैंने बोली कि इस बार जो है आप ग्रॉसरी लेके आइए, हमेशा मैं लेके आती हूँ। तो मैंने उन्हें एक लिस्ट लिखी ग्रॉसरी की और उन्हें पकड़ा दिया। तो लिस्ट में था आलू, तो आलू के नाम पे आलू की फैक्ट्री खुल गई है, इतना ज़्यादा आलू हस्बैंड ले आए हैं। और तब से जो है ना मैं आलू जो है बना बना के थक गई हूँ, आलू बिछा रहे हैं, आलू ओढ़ रहे हैं, आलू से नहा रहे हैं, बस आलू ही आलू हो रहा है। तो आज भी मैंने आलू ही बनाई हूँ, आलू मेथी और मटर की सब्ज़ी बनाई हूँ। और लास्ट वीक भी जो है ना मैंने बनाई थी आलू की टिक्की, फिर आलू की पूड़ी, मतलब इतना ज़्यादा आलू आलू हो गया है कि किसी सूरत से जो है वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी है। तो यहाँ पे बस तेल में मैंने मेथी दाना का बघार देके और फिर आलू डाल दी, उसके बाद इसमें हरी मिर्ची और लहसुन पीस के डाल दी थी और थोड़ा सा हरी मटर मैंने ऐड कर दी थी, और उसके बाद फ्रेश मेथी। मेथी का सीज़न है तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी मेथी बना दूँ, क्योंकि जब मेथी का सीज़न चले जाता है ना तो फिर इतनी अच्छी मेथी मिलती नहीं है यहाँ पर। कर्टन्स जैसे ही वॉश हो जा रहे थे हम लोग जल्दी से फोल्ड करके उसको सुखा दे रहे थे कि आज के आज ही जो है ये सूख जाए तो मैं आयरन करके सबको लगा दूँ, और दूसरे कर्टन्स जो हैं वो फिर मैंने मशीन में चला दी हूँ। और अब यहाँ पे मैं अपना किचन पूरा समेट रही हूँ, मेरी आज की कुकिंग पूरी हो गई है, और रात के लिए जो है ना हम बाहर ही खाना खाएंगे आज, क्योंकि और भी कुछ स्पेशल प्लान्स हैं आज के लिए जो मैं आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरा किचन पूरा समेट गया है। तो ज़ईम और फलक के रूम का जो कर्टन था ना वो भी वॉश हो गया था, तो मैं सोच रही थी जल्दी से डाल दूँ ताकि जल्दी से सूख जाए। और आप देख रहे हैं धूप कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एकदम कड़क धूप है, तो जल्दी से ना कपड़े सूख जा रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। सो रमज़ान जो है वो इस बार अच्छी खासी गर्मी में आने वाला है। तो यहाँ पे दाल पूरी रेडी हो गई थी, एक सीटी के बाद जो है ना वो मैंने सिर्फ 5 मिनट रखी हूँ, और उसके बाद मैं इसको मैशर से अच्छी तरह से एक बार मैश कर लूँगी, तो फिर एकदम अच्छे से दाल पूरी रेडी हो जाएगी। और दाल का बघार तो आप लोगों ने देख ही लिया है, घी में ज़ीरा, खड़ा लाल मिर्चा, लहसुन और प्याज, वही जो नॉर्मल सा बघार होता है वही बस डालना है, और उसके बाद हम इसको दाल में डाल देंगे।
अगर आप जो है पतली दाल पसंद करते हैं तो पानी बॉईल करके इसमें डाल सकते हैं, और अगर गाढ़ी पसंद करते हैं तो आप उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए और थोड़ा सा धनिया की पत्ती से गार्निश कर देंगे। सो यही है मेरी सिंपल सी दाल की रेसिपी, सिंपल येट टेस्टी। और यहाँ पे मैं कुकुम्बर काट रही हूँ, और ये जो स्लाइसर है ना, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है बच्चों को इस तरह से कुकुम्बर काट के देने में। तो आज बहुत सिंपल सा जो लंच है ना, आलू की सब्ज़ी है और दाल है, तो मैं सोच रही थी कुकुम्बर भी जो है ना थोड़ा ऐसे बना दूँ, थोड़ा डिज़ाइनर टाइप का, कि बच्चे लोग खुश हो जाएँ। कभी कभी जब इन लोग के पसंद का खाना नहीं रहता है ना, तो इसी तरह से मैं कुछ ना कुछ 3-5 करके दे देती हूँ। और यहाँ पे आरिस को लग गई थी ज़बरदस्त किस्म की भूख, और आरिस को जो है ना अभी तक इतना नाटक नहीं है कि उसको वेज खाना है कि उसको नॉन वेज ही चाहिए, इस सब का नाटक नहीं रहता है उसको। अगर सब्ज़ी भी खिला देंगे ना तो वो खा लेगा शौक से, माशाल्लाह। घर की सफाई करते करते और लंच बनाते बनाते हो गई है शाम, और 5:30 हो गया था, और अच्छी खासी देखिए धूप आ गई। सारे बच्चे जो है ना वो इस टाइम पे 4:30 बजे से ही बाहर आने लगते हैं खेलने के लिए। तो आरिस भी चले गया था अपनी बाइक लेके, और काफ़ी उसके भी फ्रेंड्स अच्छे खासे बन गए हैं। मगरिब की अज़ान बस होने ही वाली है, और फलक से जो है ना मैंने बोली कि जितने खाना बचा था जितना भी, उसको तुम छोटे छोटे बर्तन में निकाल के और फिर उसको तुम फ्रिज में रख दो, क्योंकि रात में जो है मैंने आप लोग को बताई ना कि आज खाना नहीं बनने वाला है, आज हम डिनर बाहर ही करेंगे, क्योंकि आज हम कहीं जाने वाले हैं, मैं आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलूँगी। तो बस यहाँ पे फलक ने सारी सब्ज़ी और दाल जो बची थी थोड़ी बहुत वो करके फ्रिज में रख दी है। मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर मैंने ज़ैम से बोली कि तुम सारे कर्टन्स लगा दो, तो हस्बैंड भी जो है वो अब आ गए थे और सीढ़ी पकड़ के खड़े हैं, कह रहे हैं कि ज़ैम को अभी बोर्ड एग्ज़ाम लिखना है, ऐसा ना हो कि कहीं ऊपर से जो है टपक जाए नीचे। तो बस ये इतना बड़ा काम हो गया मेरा आज कि सारे कर्टन्स जो हैं वो धुल गए हैं। अब जो है ईद में भी मुझे कर्टन्स की तरफ से जो है कोई भी टेंशन नहीं, एकदम बेफिक्र। अब बस नीचे लिविंग रूम का कर्टन मुझे वॉश करना है, वो भी मैं किसी दिन प्लान करके वॉश कर दूंगी। सो ये देखिए कितना अच्छा सा एकदम चमक गया है पूरा कर्टन, और नहीं तो पहले जो है ना ये एकदम काला हो गया था, इतना गंदा हो गया था, अब बेबी पिंक कलर का हो गया है। और ये वाला भी ज़ैम ने लगा दिया है, ज़ैम के रूम का और फलक के रूम का भी कर्टन लग गया है। सो मेरा बहुत बड़ा काम आज हो गया है। अच्छा जी, तो अब जो है अपने प्लान के अकॉर्डिंग मैं अपना सेकंड टास्क कंप्लीट करने आई हूँ, और वो है ईद के कपड़ों की शॉपिंग। तो हम आए हैं जुनैद जमशेद जे डॉट मीना बाज़ार बर दुबई। रमज़ान में रोज़े रख के ईद के कपड़े सिलवाना और टेलर के पास भाग दौड़ करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है और पूरे फूके निकल जाती हैं। और टेलर तो आजकल के माशाल्लाह से इतने अच्छे हैं कि एक बार में कपड़ा सही से सिल के देते ही नहीं है, 10 चक्कर तो काटना ही पड़ता है। सो इसलिए मैंने इस बार डिसाइड किया कि मैं रमज़ान शुरू होने से पहले ही ना सबके ईद के कपड़े ले लूँगी। तो यहाँ पे जो है ना हस्बैंड अपना कुर्ता पजामा देख रहे हैं, और मैं यहाँ पे देख रही हूँ बच्चों की जो है वो कुर्ते, जो कि इतना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा लगता है अभी पिछले ही साल तो ये कलर का कुर्ता इन लोगों ने पहना था, अब कौन से कलर का लें। अच्छा, ये जे डॉट की जो फिटिंग होती है ना कुर्तों की, इतनी अच्छी होती है कि बिल्कुल ऑल्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए मैं यहीं से इन लोगों के रेडीमेड ले लेती हूँ। मुझे पता है कि चांद रात में मैचिंग चूड़ी और चप्पल की शॉपिंग करने में जो मज़ा आती है ना वो अभी नहीं आएगी, लेकिन इबादत भी तो करनी है, इसलिए आप पहले ही अगर इस काम को कंप्लीट कर लें तो अच्छा होगा। ये अच्छा लग रहा है। तुम क्या लाए? अल्लाह, तुम्हारा शूज करना बड़ा मुश्किल है। सभी अच्छा लग रहा है, सभी अच्छा लग। औरतें बिलाई वजह बदनाम हैं कि टाइम लगाती हैं, सबसे ज़्यादा टाइम तो ज़ैम को लगता है, उसको जल्दी कोई कपड़ा पसंद ही नहीं आता है। और यहाँ पे हस्बैंड अपने लिए जो है वो मैचिंग टोपी देख रहे हैं। अफ़ान और आरिस का सेम सेम कलर लो। आरिस तुमको सेम चाहिए? हाँ। अफ़ान के जैसा नहीं तो सेम ब्रो वाला कलर ना, ब्लू ब्लू ब्रो वाला चाहिए। अबा अबू अबा या इसमें देखो बटन वाला है क्या मुझे? ऐसा बटन इसके लिए। अच्छा, बटन वाला तो एक भी नहीं है, ये सब वैसी स्लीव्स हैं। अपन वेयर इज योर पैंट? सुन जा।
अपन बहुत बड़ा लग रहा है, उससे अच्छा तो येलो वाला लग रहा था। नाचो कम। सो हम लोगों ने ना सारे कपड़े डिसाइड कर लिए हैं, बट फलक ने बोली है कि अभी जो है ना किसी के भी कपड़े रिवील मत करिएगा, नहीं तो सब पुराना हो जाएगा। तो ईद के दिन ही जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने सबके लिए कौन कौन से कपड़े लिए हैं। सो लड़कों की शॉपिंग ऊपर हो गई थी डन, उसके बाद हम आ गए हैं नीचे, और यहाँ पर जो है ना नीचे पूरे लेडीज़ कलेक्शन रहता है। यहाँ से मैं फलक के लिए रेडीमेड ड्रेस ले रही हूँ ईद के लिए। फलक के लिए ना एक्चुअली रेडीमेड ड्रेस लेना बहुत मुश्किल है, इतनी पतली है ना वो कि उसकी फ़िटिंग का जल्दी मिलता नहीं है। और मैं चाह रही थी कि इस बार कुछ अच्छा सा अलग सा कलर लें, तो मुझे ये वाला ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था। ये हम बरदुबई मीना बाज़ार आए हैं, तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जो है ना वो फलक को ये नहीं पसंद आया इतना। फलक की सुई अटक गई थी रेड कलर पे, रेड मरून बस यही उसको अच्छा लगता है। पिछले साल भी उसने जो है वो मरून शेड में ही ईद का कपड़ा ली थी। तो फलक का भी ईद का कपड़ा ना हो गया है, मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी ईद के दिन। तो फिर ठीक है, आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं न्यू व्लॉग में और सेकेंड रमज़ान की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।